हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू रॉयल आईएएस एकेडमी। रॉयल आईएएस एकेडमी के इस नए वीडियो में मैं डॉक्टर विजय प्रताप शाही आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपके लिए जो लेकर के आया हूं वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग ग्रुप सी के लिए वेरियस वैकेंसीज आई हुई हैं। आइए उसको डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो 24/9 यानी 24 तारीख को ही आ चुकी है। लास्ट डेट जो है वो 23 यानी नेक्स्ट अक्टूबर तक आप भर सकते हो। और पेमेंट एग्जामिनेशन फीस पे करने का 24 लास्ट डेट रखा गया है। एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, जल्दी ही आपको मिल जाएगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1050 रुपीज है उसकी पेमेंट, और एससी एसटी के लिए 450, और फीमेल सभी कैटेगरी और हैंडीकैप पीएच के लिए 50 रुपीज फीस रखी गई है। एग्जामिनेशन फीस जो है आप भर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट फीस भर सकते हैं। पोस्ट की जो डिफरेंट कैटेगरी के लिए आई है वो इस तरह से है। एनिमल अटेंडेंट के लिए 5 पोस्ट है, एज लिमिट 35 इयर्स है, और 10+2 इंटरमीडिएट साइंस के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो वो फॉर्म भर सकता है। असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के लिए 3 पोस्ट आई हुई है, 35 इयर्स है इसकी एज लिमिट। डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग आर्किटेक्चर विद 55% फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। बोट्समैन, बोटमैन के लिए और ग्राउंडमैन के लिए जो है वाटरमैन के लिए 9 पोस्ट की वैकेंसी है, 30 इयर्स उसकी एज लिमिट है। अपॉइंटमेंट जो है जो इसमें अपॉइंटमेंट टू दिस लेवल विल बी इधर हाई स्कूल पास हो या फिर इक्विवेलेंट टू रेलेवेंट सब्जेक्ट से हो तो उसको भर सकता है फॉर्म। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 23 पोस्ट आई हुई है और 30 इयर्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री या PGDCA कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर PGD डिप्लोमा किया हुआ है, BSc कंप्यूटर है, CS इंजीनियरिंग या IT और BBA और BCA हो, MS ऑफिस नॉलेज हो उसको, ओ लेवल किया हो सर्टिफिकेट या DOEC के थ्रू ग्रेजुएट हो, या कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से वो कर सकता हो, या इंग्लिश हिंदी सॉफ्टवेयर का नॉलेज अगर उसको है, नॉलेज हिंदी इंग्लिश वो बोल सकता हो, और ये एलिजिबिलिटी है। ड्राफ्ट्समैन के लिए 2 पोस्ट आई है, 35 ईयर है, डिप्लोमा आर्किटेक्चर में ITI डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैन सिविल विद 55% मार्क्स, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी इसमें डिमांड की गई है। ड्राइवर्स के लिए 2 पोस्ट आई है, 35 ईयर्स जो है रखा गया है, क्लास जो है हाई स्कूल पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ होना चाहिए लाइट और मीडियम दोनों के लिए, हैवी मोटर्स व्हीकल्स के लिए भी मांगी गई है, 3 इयर्स एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायर्ड है। हिंदी टाइपिंग के लिए 1 सीट है, 30 इयर्स है, 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, कंप्यूटर टाइपिंग हो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की लिमिट तय की गई है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए 49 सीट है, 30 इयर्स है, और बैचलर डिग्री किसी से 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग जो है 30 वर्ड्स पर लिमिट मिनट जो है इंग्लिश में, और हिंदी में 25 वर्ड्स पर लिमिट का रखा गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 30 पोस्ट है, 30 इयर्स है, बैचलर डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी साइकोलॉजी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन डिफेंस स्टडीज स्टैटिस्टिक होम साइंस इसमें रखा गया है। इसके साथ ही इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की जो है लिमिट मांगी गई है। लेबोरेटरी जो है अटेंडेंट के लिए 47 पोस्ट है, 30 इयर्स है, 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए विद साइंस, इसी तरह से 2 इयर्स एक्सपीरियंस। फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट 64 सीट्स है, 30 इयर्स एंड 10+2 इंटरमीडिएट पास या डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो लेबोरेटरी साइंस में। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए 90 वैकेंसी है, 30 इयर्स, क्लास 10th हाई स्कूल पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या वो और ITI पास हो। फार्मासिस्ट के लिए 3 पोस्ट आई है, 35 इयर्स, बैचलर डिग्री जो फार्मेसी में या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 2 इयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी या रिकॉग्नाइज्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स में हो, या सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 7 पोस्ट है, 35 इयर्स, बी लिव लाइब्रेरी मांगी है साइंस और बी लिव 50% मार्क्स। फिर सिक अटेंडेंस के लिए 2 है और इसे 30 इयर्स है, क्लास 10th हाई स्कूल पास होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ड्रेसर वार्ड बॉय या वार्ड गर्ल के लिए है। जॉब स्टेनोग्राफर के लिए 13 पोस्ट है, 30 इयर्स, बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम इंग्लिश टाइपराइटर 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश, स्टेनोग्राफर के लिए 40 वर्ड्स जो है पर मिनट का रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड के थ्रू टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू उसको मिला हो सर्टिफिकेट। फिर 2 इयर्स एक्सपीरियंस भी इसमें डिमांड की गई है। टेक्निकल असिस्टेंस के लिए 8 पोस्ट आई है, 35 इयर्स, बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग MSc नेटवर्क BSc विद फर्स्ट डिवीजन रिलेटेड सब्जेक्ट, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
वायरमैन के लिए टू पोस्ट आई हुई है, 30 ईयर्स है, ITI सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल वायरमैन या इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की पोस्ट है। फिर इसी तरह से एक्सरे जो है वो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए वन पोस्ट है, 35 ईयर्स, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी विद 50% मार्क्स के साथ। इसी के साथ कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है उसका एक ब्रीफ यहाँ पर हमने दे दिया है आपको, आप देख सकते हो। अप्लाई करने का जो मेथड है वो बहुत ही ईजी आप सभी के लिए बना रखा है। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको जाना है और टाइप करना है www.royalis.com, और जैसे ही हमारी वेबसाइट पे आप पहुंचते हो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के सेगमेंट में अनाउंसमेंट में जाना है, वहां क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही आप इस पेज पर आ जाते हैं जिस पेज पर हमने वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में दिया है। और आपने इसी में आप नीचे की तरफ आएंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर हमने लिंक दे रखा है। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हो आप सीधे उस पेज पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आके आप अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय।